आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि रणथंभौर में भालू और बाघ के बीच संघर्ष। रणथंभौर के जोन वन में भिड़े बाघ और भालू आज सुबह जोन नंबर एक की ये पूरी घटना है। अचानक बाघ के रास्ते में आया भालू, भालू को गुस्से में देखकर उल्टे पांव लौटा बाघ। दोनों के संघर्ष को देखकर पर्यटकों में रोमांच। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है। साथ ही तस्वीरों में आप भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं और उसके बाद किस तरीके से यह घटनाक्रम होता है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रणथंभौर में भालू और बाघ के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, आमने सामने से दोनों एक दूसरे की तरफ झपट्टा मारने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद ही वापस से बाघ उल्टे पैर लौटता हुआ नजर आता है। रणथंभौर के जोन वन में भिड़े हैं बाघ और भालू, आज सुबह जोन नंबर एक की ये पूरी घटना है। सुबह की ही ये घटना है, जिस वीडियो को देखकर हम खुद इतना रोमांचित हो रहे हैं तो सोचिए जो पर्यटक वहां पर मौजूद होंगे, जिन्होंने लाइव ये पूरी घटना देखी होगी, वो कितने ज्यादा रोमांचित हो उठे होंगे। तो वहीं अचानक बाघ के रास्ते में आया भालू और भालू को गुस्से में देखकर उल्टे पांव बाघ वापस लौट गया। दोनों के संघर्ष को देखकर पर्यटकों में रोमांच नजर आया। इसी खबर पर हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, देखिए ये वो तस्वीरें हैं जिनको देखकर ही हम इतने ज्यादा रोमांचित हो उठे हैं, तो ऐसे में अंदाजा लगाना बिल्कुल इजी है कि वहां पर जो पर्यटक होंगे जिन्होंने लाइव ये तस्वीरें देखी होगी वो कितने ज्यादा रोमांचित हो उठे होंगे। बिल्कुल, देखिए वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती यही है रुचि कि जब आप जंगल में जाते हो तो बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हो कि हम बाघ देखेंगे, भालू देखेंगे, पैंथर देखेंगे, यहाँ तक कि वहाँ जो अलग अलग जो बर्ड्स होते हैं वो सब देखेंगे, वहाँ की हर फ्लोरा और फौना देखेंगे, लेकिन जो रणथंभौर है उसकी खूबसूरती यही है कि वहाँ आपका पल पल एक नए रोमांच से सामना होता है। आज सुबह जब जोन नंबर एक में जब पर्यटक वहाँ पहुंचे, उनकी जिप्सियों से जब वो बाघ देखने गए तो देखा कि बाघ के सामने अचानक भालू आ जाता है। बाघ अपने टेरिटरी में अपने उस पर चल रहा था, सामने से स्लॉथ बियर आता है और दोनों के बीच में एक हल्का संघर्ष होता है। उस संघर्ष में जो उसकी भालू की जो आक्रामकता थी उसको देख करके बाघ को अपने आप को बचाने के लिए उसने यही भला समझा कि मैं उल्टे पैर वापस लौट लूं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरह से भालू ने अचानक से बाघ के ऊपर हमला बोला, और चूंकि बाघ जो दिख रहा है वो सब एडल्ट है, यानी उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा ऐसा लगता है 1.5 साल के आसपास है, तो वो अभी भालू का सामना करने की स्थिति में भी नहीं था, तो उसने क्या करा, दबे पांव वापस उल्टा लौट लिया। लेकिन ये जो दृश्य था इसकी खूबसूरती ये है कि दर्शक जो वहाँ पर्यटक थे वो इतने रोमांचित होते, उन्होंने अपने कैमरे में इसको कैद भी किया, फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ शेयर भी किया। और मैं आपको बता भी दूं, देखिए पिछले काफी दिनों से आयुषी खंडार में जो बालाजी का मंदिर है वहाँ स्लॉथ बियर है, उसका आना जाना लगा रहता है। तो कहते ना कि वो राम जी के मंदिर में जामवंत का पहुंचना, वैसी स्थिति बनी हुई है वहाँ, लगातार बार बार श्री राम जी के और बालाजी के मंदिर में बार बार भालू को जाना, उसको वहाँ से वन विभाग के जो ट्रैकर्स हैं उसको खदेड़ के वापस जंगल में भेजते हैं। लेकिन इन दिनों बाघ के साथ साथ अच्छी बात यह है रणथंभौर के अंदर स्लॉथ बियर की जो संख्या है वो भी बढ़ी है। पिछले 3 साल की बात करें तो स्लॉथ बियर करीब 60 से 70 नए स्लॉथ बियर वहाँ देखने को मिले हैं। तो ये एक बायोडायवर्सिटी का एक ऐसा एक अद्भुत नायाब नमूना है कि वहाँ आपको आप जब पल पल में आप जाते हैं तो आपको बाघ, स्लॉथ बियर। चलिए निर्मल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।